तो चलिए पहला सवाल पूरे 10 रुपए के लिए खेला शुरू करते हैं। 15 रुपए का म्यूजिक बजा दिया, सवाल 10 रुपए का दे रहा। सवाल ब्लैक मनी के ऊपर है कि ब्लैक मनी कितना ब्लैक होता है। ऑप्शन ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ऑप्शन ए लाइट ब्लैक, ऑप्शन बी डार्क ब्लैक, ऑप्शन सी पिंक ब्लैक, या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन की फिल्म वाला ब्लैक। भाई सवाल पे मेरे को शेर याद आ गया, वो मैं अर्ज करना चाहूंगा भाई, फूल खिलता है वो तो खिलेगा। फूल खिलता है वो तो खिलेगा, मेरे पास 2000 का नोट है, छुट्टा कब मिलेगा। बहुत ही बकवास शेर। अगर टमाटर सस्ते होते मैं शायरी भी मारता। भाभी सन्नी जनता जवाब जानना चाहती, बताइए। जनता इधर बैठी है, जवाब इधर जानना चाहती है, उधर क्या देख रहे हो यार? जनता जवाब जानना चाहती है। और घुमा दी, बताइए ब्लैक मनी कितना ब्लैक है? आजकल तो सारा मनी व्हाइट हो गया है, ब्लैक तो रहा ही नहीं। बिल्कुल सही जवाब। एक मिनट, हम एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, अपनी राय दे देते हैं। ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा इसे धूप में रखेंगे ना उतना ब्लैक होएगा। इट इज ऑल ऑन सनलाइट, सनलाइट वो तो टैन मनी हो जाएगा ना। अरे टैन का नोट तो चल रहा है, उससे क्या इंडिया के लिए ब्लैक हो जाएगा, फॉरेनर के लिए टैन हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं, सही बोले हैं। बिल्कुल गलत जवाब दिया तुमने। तुमको मिलता है 500 का नोट, ये 500 का नोट तुम्हें मिलता है गलत जवाब देने के ऊपर। इसको बैंक में जमा करा दीजिए 31 दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद जमा नहीं हो पाएंगे। ये क्या बात बोले, हमको कुछ हंसी तो आया ही नहीं। हर बात हंसी के लिए नहीं होती है, कुछ बातें देश के लिए भी की जाती हैं। जमा कर दी गई। तेरे सू का चना है? क्या बोले? ये सूचना है भाई, सूचना, सू का चना। इतना वाइब्रेशन मोड पे क्यों रहते हैं? आप जीत गए हैं 10 रुपए, ये लीजिए। एक सेकंड, ये 5 लीजिए। थैंक यू। बाकी आपका आधार कार्ड देख के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ए गेम जीता है, कोई गैस सिलेंडर नहीं जीते हैं जो सब्सिडी दिए जा रहे हैं आप। तेरे स्त्रीलिंग का पुलिंग। हमारे स्त्रीलिंग का पुलिंग मत कीजिए, ज्यादा पुल कीजिए, हम खुल भी सकते हैं। अगला सवाल पूछते हैं पूरे 100 रुपए के लिए। पूरे पूरे 100 रुपए का होता है? 100 पूरा ही होगा ना, आधा 100 होता है का? पूरा 100 पूरा ही 100 होता है, आधा 100 तो 50 होता है। आपको इस सवाल में रिक्त स्थान भरना है कि जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, डैश डैश डैश। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 70 किलो का आदमी 72.5 किलो का हो जाता है, ऑप्शन बी आदमी ऊंट पर बैठ जाता है, ऑप्शन सी आदमी उठता नहीं क्योंकि वो लेट सोया है, या ऑप्शन डी मिट गया है पड़ा नहीं जा रहा। भाई ये मेरे को सवाल ही गलत लगता। भाई जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो ये तो बताओ कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है? LLB पड़ता है या CA पड़ता है कि लॉ पड़ता है, क्या पड़ता है ये बताओ। या वो जो हाथ है पढ़ लिख के वो पैर बनना चाहता है, ऐसा कुछ हो है क्या? क्यों पड़ता है? तेरे बाजीराव की मस्तानी। खामोश। अच्छा खामोश, हम खामोश हो जाएं। भाई देखो शत्रु भी इनका, गन भी इनकी, हम खामोश हो जाएं, सारा कुछ इनका, तो ठगी होगी ना बाद में। देखो भाई मैं एक बार बोलता हूँ, मेरे मुंह में थूक फंस गया। मैं ना सीधी सीधी बात जानना चाहता हूँ, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे को काम बहुत ज्यादा है, युवराज की शादी भी है, मुझे घर जाके सोचना भी तुमको क्यों नहीं बुलाया।
अगर आप चाहें तो ऑप्शन आपके पास है, आप किसी से बात करना चाहेंगे धर्म जी से बात कर सकते हैं। तो ये लगा धर्म जी का फोन। धर्म जी जी फोन उठाइए। अब तुम तो उठाओ पहले फोन, वो तो बाद में पता चलेगा। तो स्पीकर फोन पे है। बोलिए धर्म जी, बताइए तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ये कैसा बेहुदा सवाल, फोन लगाया वीर को लग गया जय को। दोबारा लगाता हूँ। धर्म जी, धर्म जी। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। पांच मिनट के एक्ट में इसको 50 टैलेंट दिखाने भुक्कर कहेगा। तो धर्म जी है, बच्चन साहब है, पिद्दू है, तो है क्या? मैं चल डॉक्टर ने चुर्क लाते। चलिए इस सवाल को मारते हैं गोली डिशे। अगला सवाल पूरे 1000 रुपए के लिए। 1000 रुपए तो चलेगा नहीं। अगला सवाल 2000 रुपए के लिए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहली फिल्म आपने की बरसात, दूसरी बार फिर आपने बरसात की, क्या प्रॉब्लम थी? आपके ऑप्शन है, पहली में स्पेलिंग मिस्टेक थी। ऑप्शन बी, एक बार में मजा नहीं आया। ऑप्शन सी, पहली बार बारिश कम पड़ी थी। या ऑप्शन डी, कीचड़ आपको अच्छा लगता है। भाई इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ गया, अर्ज किया जाए। भाई बात उन दिनों की है जब मैंने वो शेर देखा था, इतना बड़ा शेर था। I believe it was the best line I'd ever seen. You know, zoo में था, पिंजरे में था। इस बात को वो शेर नहीं भाई। आइए बॉबी जी, आपका जवाब क्या है? पहली बार स्पेलिंग मिस्टेक। वाह बहुत अच्छा जवाब, आप जीते 2000 रुपया। ये लीजिए कार्ड, मैं स्वाइप कर देता हूँ। कार्ड स्वाइप करेंगे। कैश कल सवेरे मिलेगा। कार्ड हमने स्वाइप कर दिया है, पैसा आपके खाते में आ जाएगा। इनके ये बहुत खाते हैं। अगला सवाल पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आप सबके कंप्यूटर के स्क्रीन पे सामने। धर्म जी का एक गाना था, आया सावन झूम के। वो सावन झूम के क्यों आया था? आपके ऑप्शंस ये है कि सावन देसी दारू की दुकान से आया था। ऑप्शन बी, सावन के पैर में जख्म था। ऑप्शन सी, सावन शशि कपूर का फैन था। या ऑप्शन डी, आया सावन सीधा ही था लेकिन देखने वाले ने पी हुई थी, उसको लगा टेढ़ा। भाई इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ गया। चल रही है ऑटो, पीछे बैठी सवारी। ओए हो, चल रही है ऑटो, पीछे बैठी सवारी, आगे आगे ड्राइवर। इस सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे बॉबी जी से। बताइए सावन झूम के क्यों आया था? सावन तो सीधा है, जिसने जो देख रहा था उसकी पी हुई थी। सही जवाब। नहीं नहीं ये सवाल जवाब सही है। अगर आपको शक है कि ये सवाल का जवाब गलत है तो आप ऑडियंस पोल कर सकते हैं। ऑडियंस पोल कर लेते हैं। पोल मंगा ले। क्या बंदे हैं यार, ये गुलाटियर भाई क्या हंसाता है यार। इस बार तो पहले डॉक्टर बना था, इंटरव्यू दे रहा था, अब ये भाई सिद्धू साहब की एक्टिंग कर रहा था। बात बात वैसे हंसता है, बोलता है शेर याद आ गया। और शेर भी कौन सा, जू वाला शेर था। आरामी हम तो शेर वो शायरी वाला समझ रहे थे। तो बड़ा आराम यार, क्या बातों में घुमाता है यार।
कपिल इस बार ओवर एक्टिंग कर रहा था, बाकी वालों ने बहुत हंसाया, वो मोटा भैंसा भी और सबसे बड़ा सरप्राइज हमारा यार ये तारा सिंह और टेंगू चाली आ गए यार, ये तो सोचा ही नहीं था कि ये भी इधर बैठे हुए यार, बहुत वो भी हंस रहे थे, उनको शर्मिंदगी हो रही थी जिस तरह ये बातें कर रहे थे ना, वो बेचारे शर्म से ही हंस रहे थे, क्या ये सवाल कर रहा है कपिल, थोड़ा भाई इस बार नहीं था सही, बाकी सबने हंसाया, मजा आ गया भाई यार, कपिल मजा खराब कर देता है, ये डॉक्टर हमें बहुत हंसाता है, इसका जो बात का अंदाज है ना भाई साहब दिल खुश कर देता है ये, और इसका साथी गेंडा जो है भाई वो भी मुझे बड़ा हंसाता है, वो नर्स जो बनता है कुसरा ये बड़ा हंसाता है यार, दोनों जोड़ी है ना मस्त है भाई, बहुत हंसाते हैं, कपिल इनको लड़ता है भाई, मारता है इनको, वो हाथ मिलाने जाता है तो वो हाथ भी नहीं मिलाने देता ना कपिल, बाकी यार ये हमने तारा सिंह को देखा ये भी हंस रहा था, वो टेंको चाली वो भी बड़ा हो गया भाई, बड़ी मुछे आ गई है, उसको भी देखा तो बड़ा अच्छा लगा, हाँ भाई आज तो मजा आ गया देखकर, खास कर टेंको चाली को भी देखा और तारा सिंह को, दोनों की एंट्री थी ना वो दिल को छू गया, बाकी कपिल है ना वो थोड़ा फीका लग रहा, बाकी डॉक्टर साहब की बात क्या कहना है, वो तो मेला लूट लेता है ऐसे ने, और डॉक्टर ने भाई चार चार लगा दिए शो में, बाकी कपिल है ना वो बेकार है इस मरतबा, वो ओवर एक्टिंग करता है, चौको चौको ये क्या है भाई यार, हमें बहुत मजा आ गया यार, डॉक्टर ने तो यार बहुत मजा किया, डॉक्टर हंसाता भी था, उसके बोलने का अंदाज ही अलग था, बाकी जो कपिल था वो तो बार बार उन पे जो है ना टॉर्चर कर रहा था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था कपिल का, वो जैसे कि वो बाजू टूटे हुए ऐसे करके बैठा हुआ है, थोड़ी सी एक्टिंग उसकी यार सही हमें नहीं लगी, लेकिन डॉक्टर ने यार हमें तो बहुत हंसाया भी, मज़ा भी हमें आया, सरदार बन गया था सरदार, हाँ तो वो सरदार की एक्टिंग बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहा था, पहले डॉक्टर बना हुआ था लेकिन वो जैसे आया कपल उनको मार रहा था, तो यार मज़ा हमें जो है ना ये थोड़ा बुरा लगा, बाकी जो है ना शो ने बहुत मज़ा दिया, जो खास स्पेशल दो लोग आए थे वो भी हंस रहे थे, कभी कभी शर्मा भी रहे थे कुछ लफ्ज़ों पे, लेकिन यार हमें बहुत मज़ा आ गया, बिल्कुल भाई वो दो भाई बड़े सुपरस्टार हैं, आप कभी उनको देखोगे ना आप कहोगे यार ये क्या मतलब एक्टर हैं, इनकी एक्टिंग खतरनाक होती है, देखेंगे कभी जरूर, वो आपको हम मूवीज देंगे, बाकी ये वाला शो आज मजे वाला था यार, डॉक्टर ने बहुत हंसाया।